नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर। हमारा चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मेरे पास एक फैंस का कमेंट आया था कि नाम है नियोन देसी वर्क करके, तो उसका कमेंट आया था जो हमारा रिले होता है, रिले का बारे में समझाने के लिए। तो आज का वीडियो में जो हमारा रिले है, रिले क्या होता है, रिले का काम क्या होता है और रिले किस तरीके से होता है, तो मैं आज आप लोग को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा तो मल्टीपल क्वेश्चन आंसर आता है, वो मैं डेली 3 क्वेश्चन आंसर पोस्ट करता हूँ, तो आपका पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप इंटरव्यू देने के जाएगा, तो इस वाला जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला आपको काम पे आएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो का तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि ये जो हमारा रिले है, रिले क्या होता है सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, रिले किस तरीके से हमारा काम करता है। रिले जो होता है, रिले हमारा क्या इलेक्ट्रिकल ऑपरेट स्विच है, तो जो कि हमारा घर पे हम लोग जो स्विच यूज करता हूँ, जैसा कि हमारा लाइट होगा, फैन होगा, उसको ऑन ऑफ करने के लिए जो हम लोग स्विच यूज करता हूँ, वो हमारे का मैकेनिकल सिस्टम से हम उसको ऑन ऑफ करता हूँ। मतलब कोई आदमी जाके उसका पास में उसको ऑन ऑफ करेगा, तब जाके वो हमारा क्या लाइट हो, पंखा हो, वो हमारा चालू और बंद होगा। लेकिन ये जो आप लोग रिले देख रहे हैं, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक से सप्लाई देने से ये हमारा ऑपरेट होता है, ये हमारा स्विच का जैसे ही काम करता है। तो वो किस तरीके से हमारा काम करता है, इसका अंदर हमारा दोस्तों कॉयल लगा रहता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, ये जो हमारा रिले होता है, रिले का अंदर हमारा क्या क्या पार्ट्स लगा रहता है। जैसा कि इसका अंदर हमारा स्प्रिंग लगा रहता है, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, फिक्स टर्मिनल, और हमारा कॉयल का टर्मिनल रहता है, और हमारा बेस रहता है, कॉयल रहता है, आयरन कोर रहता है। तो इस तरीके इसका अंदर हमारा पार्ट्स लगा रहता है। तो इतना सारा पार्ट्स मिलेगा तब जाके हमारा रिले बनता है। जैसा कि ये जो देख रहे हैं, इसका अंदर ये जो पीछे का साइड में देख रहे हैं, ये हमारा रिले का बेस प्लेट है, इसके इसमें ही हमारा क्या वायर कनेक्शन होता है। तो मैं दोनों को अलग कर लेता हूँ तो आप लोग को मैं दिखाने के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा रिले है, रिले का पीछे में इस तरीके से आपको पिन देखने के लिए मिलेगा। तो इतना सारा जो पिन होगा, ये हमारा क्या NONC का इसका अंदर कॉन्टैक्ट रहेगा। इसका अंदर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि इसका अंदर एक हमारा कॉयल रहता है, जैसा मैं आप लोग को बताया था, और उसमें कपार का पट्टी रहता है, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट NONC होता है, जब हम इसमें कॉयल में सप्लाई देता हूँ। ये जो हमारा कॉयल है इसका अंदर, इसका कॉयल सप्लाई 24 वोल्ट DC सप्लाई से लेके 110 वोल्ट, 240 वोल्ट वाला इसका कॉयल सप्लाई वाला रिले आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रिले में हमारा क्या A1 A2 टर्मिनल होता है, उसमें हम जिस तरीके से सप्लाई इन कर देगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब जाके क्या होगा, इसमें जो हमारा कॉन्टैक्ट रहेगा, जैसा हमारा NONC इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट रहता है, तो वो क्या होता है, NO रहेगा तो वो हमारा NC होगा, तो NC रहेगा तो वो हमारा NO होगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिले होता है वो हमारा काम करता है। AC रिले जो होता है उसको पावर सप्लाई आपको AC देना पड़ेगा, और जो आपका DC रिले होगा तो उसको DC पावर सप्लाई आपको देना पड़ेगा। जैसा कि ये जो देख रहे हैं, ये हमारा DC वाला रिले है और ये हमारा AC वाला रिले है। वो कैसे आपको पता करना पड़ेगा, जैसा आप कोई रिले परचेस कर रहा है तो रिले का ऊपर में आपको नेम प्लेट देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि ये जो आप लोग रिले देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा AC सप्लाई इसीलिए बोल रहा हूँ, ये रिले का अंदर आप लोग को इस तरीके 110 वोल्ट AC सप्लाई का सिम्बल दिया गया है, तो ये हमारा 110 वोल्ट वाला रिले है। तो रिले का पीछे में जो पिन लगा रहेगा, उसका हिसाब से आपको इस तरीके से टर्मिनल बेस प्लेट भी चाहिए, इसको हम लोग रिले का सॉकेट भी बोल सकता हूँ। इसमें आपका वायर कनेक्शन होगा, और ये जो देख रहे हैं, ये भी सेम तरीके से है, इसमें इसमें आपको अलग अलग टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा, मतलब कम ज्यादा आपको टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा रिले में। तो इसको हम लोग, ये जो रिले में आप लोग को बता रहा हूँ, ये हमारा क्या लैचिंग टाइप वाला रिले है। रिले भी हमारा बहुत सारा टाइप का आता है, उसका वीडियो आप लोग को चाहिए तो रिले कितना टाइप का होता है, इस वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, तो मैं रिले कितना टाइप का होता है उसका ऊपर भी अलग से कम्प्लीट एक वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि ये जो रिले है, इसको हम लोग लैचिंग रिले बोलता हूँ। तो रिले हमारा किस तरीके से काम करता है, अभी मैं आप लोग को एक बार थोड़ा सा ड्राइंग करके समझा देता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, रिले में हमारा किस तरीके से काम करता है, जैसा कि ये हमारा कॉयल है, तो अभी मैं ये जो है, ये हमारा क्या ऑफ कंडीशन में, ये हमारा ऑन कंडीशन में जो हमारा रिले काम करता है, उस तरीके से मैं ड्राइंग बना के मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसा मैं इसमें जो हमारा स्विचिंग है, इसमें हम ये हमारा इधर हमारा बैटरी है, तो इस साइड में हमारा कॉयल में सप्लाई पहुंच गया, लेकिन इधर हम एक स्विच रखा हो, जैसा हम स्विच को ऑन करेगा तो हमारा जो कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, जैसा हम इधर स्विच ऑन कर दिया,
तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में रहता है, ऑफ कंडीशन में, और जब हम रिले में सप्लाई दे देगा, जैसा ये हमारा बैटरी है तो इसमें से जो हम स्विच है, स्विच को हम ऑन कर दिया, तो ये हमारा क्या सर्किट क्लोज होकर जो कॉयल है इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से हमारा क्या कॉयल ऑपरेट हो जाएगा, तो अब जाके हमारा इस वाला पोजिशन होगा, मतलब ये हमारा क्या एनो रहेगा, तो ये हमारा अभी एनसी हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा रिले होता है, रिले हमारा इस तरीके से काम करता है। अभी ये जो रिले होता है, रिले हमारा जो ज्यादातर हमारा जो कंट्रोल सर्किट होता है, कंट्रोल सर्किट में हम लोग ज्यादातर यूज करता हूँ। ये आपको एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई भी मिल जाएगा, ये हमारा क्या प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हम लोग यूज करता हूँ। ये ज्यादातर हमारा कंट्रोल सर्किट में हम लोग यूज करता हूँ। बाहर से इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से इसका सर्किट ओपन और क्लोज होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। ये जो आप लोग देख रहे हैं टर्मिनल बेस प्लेट है, इसमें आपको वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। इधर से हम इनपुट सप्लाई कनेक्शन करेगा तो इधर से हम आउटपुट ले सकते हैं। जैसा हमारा इसमें A1 A2 में सप्लाई आ जाएगा तो इधर से हमारा जो कॉन्टैक्ट है इधर से हम डाइवर्ट होकर इधर हमारा आ जाएगा। तो इधर से जो भी हमारा सर्किट में हम कनेक्शन करके रखेगा तो हमारा जो सर्किट है वो हमारा वर्किंग करेगा। तो दोस्तों ये जो रिले है, रिले आप लोग देखा होगा जो हमारा पीएलसी पैनल आता है, तो पीएलसी पैनल पे हम लोग इस तरीके से रिले आता है, रिले को हम लोग यूज करता हूँ। तो रिले हमारा क्या ज्यादा, मतलब इसमें हमारा ज्यादा हाई वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज हमारा पावर सर्किट के लिए हम लोग रिले को यूज नहीं करता हूँ। इसमें क्या इसका जो रेटिंग है, जैसा हमारा जो टर्मिनल है, जैसा कि इसका टर्मिनल देख रहे हैं कितना छोटा छोटा है, तो इसमें हम ज्यादा पावर सप्लाई वाला इक्विपमेंट कनेक्शन नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या ज्यादातर हमारा जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करता हूँ। जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर होता है, कॉन्ट्रेक्टर भी हमारा स्विचिंग का जैसा काम करता है, और जो रिले होता है ये भी हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से इसका अंदर कॉयल रहता है, कॉयल से हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये भी हमारा क्या ओपन और क्लोज एनओ एनसी इस तरीके से इसका अंदर भी हमारा कॉन्टैक्ट रहता है। तो कौन सा कॉन्टैक्ट क्या है, इसका जो हमारा ऊपर में इस तरीके से रिले होता है, रिले का ऊपर में इसमें एक नेम प्लेट दिया गया, तो नेम प्लेट का ये जो पिन है, पिन का देख के आपको पता करना पड़ेगा इसमें आपका नंबरिंग क्या है, कौन सा एनओ है, कौन सा एनसी है, इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा। और इसका ऊपर आपका लिखा है कितना वोल्ट का है ये आपका रिले। तो इस तरीके से हमारा जो रिले होता है दोस्तों, रिले हमारा काम करता है। रिले में आपको इस तरीके से जो बेस प्लेट है, इसको हम लोग सॉकेट बोलते हो रिले का, तो रिले आपको कनेक्शन करना है तो इसका बिना आप कनेक्शन नहीं कर सकता है। तो इसको छोड़ के मतलब इसका बेस प्लेट आपको जरूरत होगा। तो कोई कोई रिले में आप देखने का इसमें जो पिन है, ये जो हमारा फिक्स्ड वाला टर्मिनल है, ये आपको कम देखने के लिए मिलेगा और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका वर्किंग के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रिले को वर्किंग कराना तो इस तरीके से आपको सॉकेट वाला बेस जरूरत है, तब जाके आप रिले आपका काम करेगा। तो रिले आपका जो ज्यादा मतलब बड़ा वाला जो इक्विपमेंट होता है उसको चलाने के नहीं है, ये हमारा कंट्रोल सर्किट में चलाने के लिए। क्योंकि रिले जो आप लोग देखा होगा इस तरीके से जो रिले आता है, ये ज्यादातर हमारा छोटा वाला जो सर्किट होता है उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग यूज करता हूँ। क्योंकि रिले में इस तरीके से जो कनेक्शन टर्मिनल देख रहे हैं इसमें हम ज्यादा बड़ा वायर भी यूज नहीं कर सकते, और ये ज्यादा एम्पेयर रेटिंग वाला भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसका बाद हम लोग क्या करता हूँ, कॉन्ट्रेक्टर यूज करता हूँ। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को रिले किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, उसका बारे में आज का वीडियो में बताया। तो दोस्तों आप लोग को इस वाला वीडियो का बारे में कोई सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करने का। अलग सा कोई इलेक्ट्रिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूंगा उसका ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना तक है, अगले एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।